आपकी महिमा की जगह में बदलेंगे प्रभु, हमारे दिलों से बात करें, हमारे जीवनों को तैयार, सारा आदर महिमा स्वर्ग पिता आपको देते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। सौतरे का स्थान के अंदर फरी एक बार प्रभु ना दास अपने मध्य से અને તેઓ વચનની સેવાની અંદર તેઓ આગળ આવશે સમયની અંદર દરેક લોકો આપણે તાળીઓ દ્વારા તેઓને સ્વાગત કરીએ જોરદાર તાળીઓ દ્વારા આપણે सब लोग जो हैं बड़े व्यस्त समय में से निकालकर ये महत्वपूर्ण समय जो प्रभु का वचन सीखने और परमेश्वर की संगति के लिए हम पधारे हैं, आए हैं, हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। और जैसा हम कल पढ़ रहे थे कि ये जो महीना है दुख सुख भोग सप्ताह, ये ईसाई लोगों की भाषा है, ठीक है, जिसमें लेंट डेज उपवास के दिन, क्योंकि प्रभु ने रोटी लेकर अपने शिष्यों को देने के बाद ऐसे कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया कर, इसका सीधा सीधा संबंध होली कम्युनियन से है, पवित्र व्यारी से है। और ये बातें केवल यीशु मसीह ने नहीं दोहराई, वरन पौलुस बाबा ने भी ये बातें, ये बात मुझे प्रभु की ओर से मिली और प्रभु ने मुझे ये बात पहुंचा दिया कि मैं पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके 23वें पद से First Corinthians chapter 11 and verse 23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। आगे लिखा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, मेरी याद के लिए यह किया करना। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाए तो सदा के लिए ये विधि तुम्हारे लिए रहे कि जिस दिन महीने का पहला दिन होता है उस दिन के 10वें दिन के बाद से लेकर 14वें दिन तक तुम अपने आप को पवित्र करना और 14वें दिन तुम फसह का मेमना बलिदान करना और उसके बाद में 21वें दिन तक एक सप्ताह तक तुम्हारे बीच में खमीर ना पाया जाए और यदि किसी इजरायली जन के बीच में कोई खमीर मिले तो वह चाहे परदेशी हो या देशी हो वह इजराइल के बीच में से नष्ट किया जाए। यही विधि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जब अखमीरी रोटी का पर्व आया तो उपरोती कोठरी में उसने इस पर्व को मनाया, परंतु उसने मेमने की जगह रोटी रख करके उस रोटी को अपना बदन कहा कि आगामी दिनों में ये जो मेमना तुम प्रतिवर्ष बलिदान करते हो उसकी जगह मैं ले लूंगा। और मैं जो है, अब आप बताइए कौन से दिन प्रभु यीशु मसीह ने ये फसह का, आपको होमवर्क है, ठीक है, आप भी कुछ जांच पड़ताल कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने ये फसह का पर्व मनाया और उसके कितने दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। सबको होमवर्क है, हमने बताया, देखिएगा
मूसा बाबा ने ये कहा था कि दसवें दिन मैसेज मिलने के दसवें दिन तुम एक एक मेमना तैयार करना और उसको चौदहवें दिन तक रखे, हम हिंट्स दे देते हैं ठीक है ना, चौदहवें दिन तक रखे रहना, दसवें दिन मत काट लेना, चौदहवें दिन काटना। अब आपको नया कैलेंडर मिल जाएगा, देखिएगा चौदहवें दिन तक, और चौदहवें दिन तुम उसको गोधूलि के समय बलिदान करना और उसके खून को अपने घर की चौखट में लगा लेना। तो मेमना किस दिन से तैयार शुरू हुआ आपको मालूम है? जिस रात यीशु पकड़वाया जाने वाला था उसी रात गौधूलि के समान मेमने के बलिदान करने की तारीख आ गई और यीशु उपरोक्त कोठरी में अपने शिष्यों को रोटी और दाखरस देने के बाद तुरंत गेतसमनी बाग में प्रार्थना करने चले गए थे। अब आप गणित लगाए रहिएगा कि गेतसमनी बाग में वो प्रार्थना करते करते इतना बेचैन हुआ कि वे अपने चेलों के पास आकर के कहता है तुम एक पल भी मेरे साथ जाग नहीं सके, फिर आके कहता है मेरा मन व्याकुल है जागते रहो, फिर तीसरे बार आके कहता है अब सोते रहो। जब जागने बोल रहा था तब वो सो रहे थे, जब प्रभु ने कहा देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है तो उस समय उनकी नींद गायब हो गई। देखो गौधूलि के समय 15-14 दिन, दसवें दिन मेमने की तैयारी होती है, दसवें दिन से लेकर के चौदहवें दिन तक मेमने को नहलाना धुलाना पेट भर खिलाना जिससे कि उसके शरीर में मान लो कुछ कुछ व्याधि वगैरह होगी या उसके बाल गिर रहे झड़ रहे होंगे तो थोड़ा अच्छा टॉनिक वॉनिक पिला देना, 4 दिन तक उसको मस्त कर देना, रोज नहलाना रोज धुलाना क्योंकि उसके बलिदान का समय आ गया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह भी गेतसमनी बाग के बाद से बलिदान की तैयारी करते रहा है, आगे हमने बताया आपको विश्व की एक किताब ये बात नहीं बताई। इसीलिए पौलुस कहते हैं जिस दिन वह पकड़वाया गया उस दिन उसने रोटी लेकर धन्यवाद दी और उसको एक विधान बना दिया कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, और उस समय के बाद से हम प्रति माह अपने आप को इस व्यारी के सामने खड़े होने से पहले आज के सुबह के संदेश के अनुसार छोटा सा आईना अपने जेब में रखो ना। अरे ये बिटिया लोग दिन में 5 बार आईना देखती है, कम से कम तुम महीने में एक बार तो देखी सकते। जिस दिन प्रभु भोज होता है उस दिन हमारे सामने आईना रखा जाता है, क्या बोलते हैं मराठी में गुजराती में आईने को, अरसा अरिसो, मराठी में अरसा अरिसो, तो कम से कम महीने में एक बार तो अरिसो देख लिया करें, ये तो 4 बार देखती है दिन में, तो महीने में एक बार तो देख ही सकते हो क्योंकि इनकी लिपस्टिक आए 15 मिनट आधे घंटे में धुल जाती ना, गर्मी के दिन है। कम से कम एक महीने में हम अपने जीवन के अंदर में जो भी उतार चढ़ाव आया है, जितने बार अपन ने पत्नी को डांट दिए, प्रभु भोज खाने से पहले आप उसको याद करके क्षमा तो मांग सकते हो। भाई जिसके साथ अपन का पंगा हो गया है, खमीर आ गया होगा महीने भर में, तो उस खमीर को मिटा तो सकते हो। मान लो हमने लेन देन में और किसी मिजाज में कोई गलती कर ली है तो प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले लिखा है प्रत्येक व्यक्ति व्यारी में सम्मिलित होने से पहले अपने आप को जांच ले, कहीं ऐसा ना हो कि गलत रीति से इस भोज में भागी होने के कारण
हम दंड के कारण बने, आगे पढ़ी देते हैं ना, मैं धन्यवाद करके तोड़ी और कहा मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। इस रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी तुम पियो, फिर एक बात आ जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। तो ये स्मरण क्या चीज है? स्मरण आईना जेब से निकालना है, अपने आप को तौलने के लिए, परखने के लिए। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए दूसरे आगमन तक प्रचार करते हो, दूसरों को नहीं खुद को। ये अच्छा है कि हम दूसरों को यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में प्रचार करते हैं। कई बार हम प्रचारक लोग दूसरों को प्रचार करते करते खुद को प्रचार करना ही भूल जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, दूसरों को ठीक ठाक संदेश होने के बजाय यदि वही मैं गलती करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को शिक्षा दूं और खुद को न मानूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों सदूकियों को बोला था, ए धर्म ज्ञानियों, तुम अपने लोगों को बड़ी बड़ी चट्टान ढकेलने की अनुमति आज्ञा देते हो, खुद कंकर भी नहीं ढकेलते। पौलुस कहता है, छोड़ो छोड़ो, तुमको कंकर ढकलवाऊंगा, चट्टान तुम्हें ढकेलूंगा। इससे पहले कि वह दूसरों को संदेश देता, उसने अपनी जीवन को करेक्ट किया था, इसलिए तो उसकी गाड़ी बुढ़ापे तक चलती रही। शहीदों की लिस्ट में ऐसे थोड़ी ना नाम आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने दूसरों को सिखाने से पहले उसको अपने जीवन के अंदर काम में लाया, क्योंकि वो 24 घंटा अरसो अपने हाथ में रखता था, वो चेक करते रहता था। उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार बपतिस्मा मिल गया, पवित्र आत्मा पा ली और वरदान पा लिए, तो अब अपनी गाड़ी जो ऊपर चलेगी तो जमीन में उतरेगी नहीं। अरे डीजल पेट्रोल लेने के लिए तो उतरना ही पड़ेगा हवाई जहाज को, है? इसलिए तो उसने साफ रोमियो की किताब के 7वें अध्याय में ये बात अंगीकार करके कहा, हाय मैं कैसा भागा इंसान, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? मैं जो करना चाहता हूँ वो तो मुझसे नहीं बनता, जो नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है, कौन मुझको बचाएगा? हाय बोलता है अपने आप को, अभागा हूँ, मेरी आत्मा में तो स्वतंत्रता की व्यवस्था काम करती है, परंतु मेरे देह में पाप की व्यवस्था काम करती है, जो मेरी आत्मा की व्यवस्था से लड़ती है। मैं अभागा हूँ। मर्द वो होता है जो अपनी गलती अंगीकार करता है, कायर वो होता है जो गलती को छुपा लेता है। यहां मर्दों का काम है, छुपाने वालों का नहीं, उघाड़ने वालों का। इसी कारण से तो कई लोग इन शिक्षाओं को बहिष्कार करते हैं, पर उनके पास जवाब नहीं। सब पाप ढांपने की बात करते हैं, पादरी साहब आप तो उजागर करने की बात करते हैं। आप ही बताइए, ये छाती में बेटे को इतना बड़ा कैंसर का गुठलू हो गया और पापा ने आयोडेक्स लाया और कहने लगे, बेटा मम्मी से बोलो छाती में आयोडेक्स लगा देगी, सुबह तक ये छाती का दर्द दूर हो जाएगा। तुमको क्या समझता है, कैंसर के घोड़े में आयोडेक्स लगाए तो सुबह तक दर्द बैठ जाएगा क्या? इतना भी नहीं समझता। हम बिड़ी धोंक के आए थे, प्रभु भोज खा लिए, फिर सुलगा दिए, चलेगा 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 क्या? ये अर्ध शिक्षाओं को, अर्ध आत्मा के प्रकाशन को स्वीकार करके कहीं ऊपर की टिकट आप रद्दी की कागज में फेंक मत देना। नो कंसिडरेशन, खमीर होने नहीं चाहिए। नहीं जी, वो तो पुराना नियम है, तो नया नियम है तो कानून बदल जाता है क्या? मैं अमेरिका गया तो मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी क्या? मेरी आवाज में कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या? नहीं, इंडिया में मेरा कद 5 फीट 6 इंच है तो अमेरिका जाते बराबर 5 फीट 9 इंच हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज लोगों के कलर भी तो गारंटेड है, वहां दिखूंगा क्या अंग्रेज में? अमेरिका हो या इंडिया हो, भाई मेरा कद और कलर तो यही ना होगा, तो खुद पुराने नियम में जो था अपना स्वभाव नए नियम में बदल देगा क्या? वो तो आराधना और क्षमा के सिस्टम को बदला है, बाकी परमेश्वर वैसे ही है।
वो नहीं बदलता। नहीं जी, यीशु मसीह ने हमारे लिए सजा पा ली है, तो मैं कहां बोल रहा हूं सजा नहीं पाया। तो पहली आज्ञा भूल जाइए 10 आज्ञा से कि मूर्ति पूजा नहीं करना, तो नए नियम में करो ना। अरे पुराने नियम में लिखा था कि व्यभिचार मत करना, शारीरिक संबंध ना जाए इस तरीके से नहीं बनाना। प्रभु जी ने कहा पुराने नियम की शिक्षा में थोड़ा उथलापन था, उसको गहरा कर देता हूँ। नए नियम में प्रभु कहते हैं यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देख कर की कल्पना कर ले तो जो शरीर में होता है वो मन में हो गया और तू व्यभिचार के पाप में उलझ गया। पुराने नियम में तो व्यभिचार जब तक शरीर कांटेक्ट में ना आए व्यभिचार नहीं समझा जाता था। अभी कोई जरूरी नहीं है आप कल्पना कर लो पाप हो जाता है, पाप तो पाप ही ना होता है। शरीर से करो या दिमाग से करो पाप तो पाप ही है ना। तो बताइए यीशु मसीह ने पुराने नियम को हल्का किया कि मिटा दिया? अरे भाई जान और बढ़ा दिए। इसलिए पुराने नियम के परमेश्वर को नए नियम में छुटला मत दो। केवल बकरे मेमने के बलिदान की जगह यीशु आ जाते हैं, कार्यक्रम तो वही है। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए, अंडरस्टैंडिंग में आ जाइए। भले ही आपको हमारा संदेश ना पचे, हाजमोला खा के बचा लीजिएगा, दिन वैसे खराब है। मानने और नहीं मानने से परमेश्वर की सच्चाई झुठलाई तो नहीं ना जा सकती है। यहाँ बाइबल कहती है नए नियम में कि जब कभी तुम अपने को इस व्यारी के पास लाओ तो इस व्यारी के पास लाने के टाइम पर बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को परख लो। 27 पद को पढ़िए ना। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह उस देह के और लहू का अपराधी होता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या बोले अरिसो रखो, निकालो प्रभु भोज में। प्रभु भोज अरिसो का काम करता है, जांचने का काम करता है। वो साल में एक बार अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मंथली मनाने के लिए कह दिया। मंथली बोला वगैरह नहीं है, तो हमने मनाने लगे। कई जगह कई कलीसिया में तो हर हफ्ता प्रभु भोज होता है, परंतु हर हफ्ता वाले बीड़ी बुझा के आते हैं, खा पी के फिर सुलगा लेते हैं बाहर। तो नियम मत बनाइए, वो आरसो है, आरिसो है। उससे चेकअप करना है अपने आप को। मैं मानता हूं यदि हम आत्मिकता में आ जाएं तो प्रति हफ्ता लेना कोई बुरा नहीं है। कम से कम हफ्ता भर में तो कोई ना कोई गलती हो ही हो गई, तो उसको हम प्रभु भोज की संगति में सम्मिलित होने से पहले उस गलती की क्षमा हफ्ते के अंदर तो मान ही सकते। दूसरों को प्रचार करना बात की बात है, हमको पहले अपने आप को प्रचार करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। रोटी तोड़ते समय हे प्रभु तेरा शरीर क्यों टूटा, हफ्ते भर चेक करना किसका किसका मोबाइल उड़ाया तू, जाके देखे आ, और नहीं तो चर्च के बाद देखे आ, रोटी तो खा लिया तूने। हैं, तंग आए थे अपने माँ बाप को अपन ने। तो रविवार के दिन प्रभु भोज में आने से पहले पापा मम्मा से क्षमा मांग के आ जाना, नहीं तो जाके मांग लेना यहाँ मांगने के बाद। कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए वह उसकी देह और लहू का अपराधी होता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसी रीति से कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वही खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। लीजिएगा, अच्छे भले आए थे प्रभु भोज खा के और बीमारी ले गए। ये रिवाज नहीं है भाईजान। यीशु मसीह ने बड़ी गंभीरता से अपने चेलों को रोटी दिया था, और जब देखा कि इनमें झगड़ा हो रहा है, एक तो यहूदा इस्कारियोती पहले ही पोजेस्ट हो गया था शैतान से और योजना पहले ही बना लिया था कि देखो एग्रीमेंट होता है आज रात में पकड़वाऊंगा, ठीक है ना, तो गेट्स अपने बाग में आना, मेरे को मालूम है मास्टर जो है ना
प्रभु भोज करने के बाद में अर्थात अखमीरी रोटी का पर्व मनाने के बाद में गैरसमनी बाग में हमको मालूम कौन सी चट्टान में जाके वो प्रार्थना करता है। और सुनो मैं आगे आगे चलूंगा, और तो ये लोग भी क्या कहे, अभी तेरे को एडवांस नहीं देते हैं तो पकड़वाएगा तब पूरा चुकारा ले लेंगे। बताइए इधर पहले बातचीत हो गई थी पर इसी और सदुखियों के साथ में यीशु को बेचने गए जिस दिन शैतान समाया था, उसके बाद भी प्रभु भोज खाने आया था। ये जो जीसस फिल्म है उसमें बहुत अच्छा फिल्म आया गया है, इसमें लिखा नहीं है, उसमें जो ड्रामा दिखाया गया सब लोग रोटी लिए, इस रोटी में इस ब्यारी में एक व्यक्ति है जो मुझको पकड़वाएगा, वो सब कहने लगे क्या वो मैं हूँ प्रभु, क्या वो मैं हूँ प्रभु, वो क्या हूँ मैं हूँ प्रभु, क्या मैं हूँ प्रभु। तो आखिरी में यहूदा इस्कारियोती की बात आई तो उसने क्या मैं हूँ प्रभु, तो प्रभु जी ने कहा तू कह चुका, फिर भी नहीं आए चेलों को समझ भी नहीं आया। 11 चेले बोले कह चुका तो उसको लगा है कैशियर है, प्रभु भोज की बोतल लाने बोल रहा होगा। अब इतने इतने महारथी चेले थे उनको कुछ समझ में नहीं आया कि डेंजर आदमी यही बैठा है और हमारी टेबल में हाथ रखा हुआ है। इसलिए हुआ ये कि सब ने बड़े दुख के साथ में कि हमारा प्रभु पकड़वाया जाएगा रोटी तो खाई, परंतु यहूदा इस्कारियोती के पास जब रोटी आई तो मुंह के पास ले जाने का ड्रामा करता है वैसा ऐसा और वापस लौटा खाया वगैरह नहीं, फिर घूर जाता और सुला आदि सो निकाला तो था पर चेहरा देखा नहीं, जेब में रख लिया, निकालने का ड्रामा किया था उसने, आदि सो जेब में रख के चला गया। और बाइबल कहती है यहूदा इस्कारियोती जैसे ही अंधेरे में गया शैतान उसके अंदर समा गया, पहले ही रजिस्ट्री कर लिया था निकल तो तू फिर समाऊंगा क्योंकि प्रभु के सामने नहीं ना जा सकता, नहीं तो मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं हो जाता यहूदा इस्कारियोती का। एक दिन पहले ही उसने बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के आ गया था, उसी दिन से तो उसकी पकड़ में था। देखो ऐसा हो सकता है हमको किसी ने रजिस्टर कर लिया है कल हमको प्रभु जी को पकड़वाना है, और ऐसा भी हो सकता है कि पकड़वाने की रजिस्ट्री शैतान ने हमारे माथे पर कर दिया हो और हम प्रभु के चेलों की लिस्ट में उनके साथ प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए बैठे होंगे। प्रभु को मालूम, इसलिए जो अरिसो है इसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति ने दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं वरन अपनों को प्रचार करने के लिए करना चाहिएगा। चेक अप योर सेल्फ, ये पद्धति नए नियम में आज के प्रचारकों ने ऐसे मिटा दी है, कि आज कोई अपनी गलती को जानना पसंद नहीं करता और ना ही अपनी गलती को समझने की कोशिश करता है। और यदि कोई आपकी गलती को हाईलाइट करे तो हम उससे पंगा ले बैठते हैं, बोले यीशु मसीह के नाम से हम धर्मी हैं, आप पाप की बात मत कीजिएगा, तो जाओ ना पहली आज्ञा तोड़ दो, मूर्ति की पूजा करो और प्रभु भोज खाओ। तुम मानते क्यों हो 10 आज्ञा फिर नए नियम में, व्यभिचार मत करना क्यों करते हो, मूर्ति पूजा नहीं करना क्यों करते हो, हत्या नहीं करना तो मार डालो, जाओ हत्या करके आ जाओ प्रभु भोज खा लेना। भाईजान परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका बदला है, बाकी सारी आज्ञाएं आज भी कायम है, उसको कौन चेक करेगा। हालेलुया, कितने लोग मर गए और कितने लोग बीमार पड़ गए अनुचित रीति से, इस कारण से बहुतेरे निर्बल हो गए और रोगी और बहुत तो सो भी गए, बिस्तर में नहीं रह वाला कब्रस्थान में। प्रभु भोज कई बार जहर भी बन जाता है, पश्चाताप किए बिना रिवाजानुसार यदि आप रोटी खाने का व्यापार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मुसीबत का विषय बनता है। हम ये सीख रहे हैं कि प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं।
आप हर प्रभु भोज की प्यारी में दूसरों को प्रचार करने के बजाय हे प्रभु ये देह मेरे लिए तोड़ी गई है, मुझे जानना होगा आखिर इस हफ्ते में किस बाबत तूने मेरी लिए मेरे कारण से देह तोड़ी। अरे मैंने पापा को आज इस हफ्ते में थोड़ा जोर से झटके के साथ बोल दिया था, मैंने मामा की बात नहीं मानी, मैंने पत्नी को 3 बार डांट दिया था, मैंने पति के बारे में पड़ोसन को बताया कि ना मैं तो अपने पति से बहुत परेशान हो गई, ये कमबख्त तो मरता भी नहीं, मेरे को जी घोटे जैसा लगता है इस आदमी के साथ रहने के टाइम पर। हाँ, अपना दिल बहलाने के लिए पड़ोसियों के घर में जाकर हम अपने पति की अनाप शनाप बातें करते हैं, ऊपर वाले की आंख में मोती अभी नहीं हो गया ना, बह रहा है वो। मायके में जाकर के ससुराल की बुराई करने वाली दीदियों, प्रभु भोज में आने से पहले क्षमा मांग लेना। और सासुबाई भी, अरे बिटिया की 10 गलती माफ, और बहुरानी ने 1 बार प्याला क्या तोड़ दिया, ओहो पल्लू खोज के तेरी मां ने यही सिपाही से चोड़ ले हैं। हालेलुया, बिल्कुल फुल्लन देवी बन जाते हैं बहुरानी के ऊपर, क्यों तेरी बिटिया की 10 गलती माफ, दूसरे की बिटिया की 1 नहीं झेल सकती माते। आपने प्रभु भोज के पहले अपनी बहुरानी के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसकी क्षमा मांगी क्या? वो भी तो आपकी बिटिया के समान है ना। मसीहियत ये नहीं होती है क्रूस गले में लटकाना, थोड़ी कड़वी दवाई है, बुखार जल्दी उतरता है, जो मीठी दवाई खिलाए 3 दिन में उखड़ता है बुखार, और यदि जुड़ी था फिलहाल लिया जाए तो एक ही खुराक में सब कुछ। हम कड़वी दवाई खिलाते हैं इसलिए कई लोग प्यार करते हैं, कई लोग हमको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने बाइबल छाप के घर से तो नहीं लाया ना, उसी का ना व्याख्यान है, क्यों प्रभु भोज खाने वाले अनुचित रीति से रोगी हो गए, दुर्बल हो गए और सो गए लिखा है, क्योंकि उन्होंने आईने पर मिरर में अपना चेहरा देखे बिना मेमने को अपने लिए ले लिया। रोटी खाने की चीज नहीं है, रोटी याद करने की चीज है, ये अपन से कोई गलती तो नहीं हो गई। राक्षस पीने की चीज नहीं है, नहीं तो 1 गिलास दे देते हमको, इतना सब दिए जितना मक्खी खाती है, कोई 1-1 लीटर पीने की चीज नहीं ना है, वैसे ही छोटे छोटे कप में देते हैं। पेट भरने की चीज नहीं है, वो याद करने की चीज है। I preach myself about the length of Christ। अरिसो जो है मेरी जिंदगी के लिए परखने का विषय। चलिए सर, इस रीति से पुराने नियम की बातें अभी भी अखमीरी रोटी के पर्व का जो सिद्धांत है, पौलुस ये बातें मुझे प्रभु की ओर से मिली और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। ये बुद्धि की बातें नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है। पौलुस बाबा के दिल में पवित्र आत्मा ने प्रकाश डाला कि तुम अखमीरी रोटी के पर्व को प्रभु भोज की विधि के द्वारा इंसान को अपनी गलती को एक बार फिर जान लेने का अवसर बना करके इसको प्रति सप्ताह या महीने याद किया करना, जिससे कि वे यीशु मसीह की मृत्यु को दूसरों के लिए नहीं वरन अपने लिए लेने के बाबत उसको एक बार खुद को याद दिलाने के लिए अवसर प्राप्त करें। सो ब्यारी हमारे लिए एक प्रकार की याद है। हालेलुया। देखो हम प्रभु में मन कैसे शुद्ध करते हैं उसी की बात कर रहे हैं, और जो हमारी तैयारी है और अनंत जीवन में प्रवेश करने की, हमको इसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। अब हम फिर से अपने पुराने विषय में आ जाएंगे, जिससे कि एनी हाउ आज हम इसको खत्म कर दें। और तो आप आ जाते हैं निर्गमन की किताब में और उसके 14वें अध्याय में, ठीक है कि नहीं? 14 है क्या? 12 है। 12वें अध्याय में हम आ जाते हैं। तो जो मेमना है ना, उसकी खाने की जो विधि है उस पर हमारी चर्चा चल रही थी। वहां लिखा है 11वें पद में, और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांध कर, हमने जूते के बारे में बता दिया था,
कमर बांध कर और जूता पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए। क्यों? तुम्हारा मेमना कोई छीन लेगा बोल के लाठी पकड़ के रखे। अब एक आदमी पकड़े तो पकड़े, वहां खाने वाले जितने थे सब लाठी। इसका मतलब जितने भी दीदी लोग थी, अब ऐसा थोड़ी भाई भाई लोग खाए तुम सो जाओ पलंग। बच्चे भी थे वहां पर। अब हमें समझ में नहीं आता रातों रात इतने ढेर सारे डंडों का बंदोबस्त कैसे किया गया। हर एक मेमना खाने वाला जूता पहन ले, लेडीज भी जूता पहन ले, लड़की भी जूता पहन ले, लड़का भी जूता पहन ले, पापा मामा भी जूता पहन ले, दादा दादी भी जूता पहन ले, नाना नानी भी जूता पहन ले, संपूर्ण परिवार को जूता पहन के खाने। पापा तुम अकेले पहन लो, हम तो नंगे पैर खा लेंगे मेमना। इसलिए पति लोग कहते हैं पत्नी को, ए मैं जरा बिजनेस में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए दुआ मांग ले। इसलिए क्रूसेड कन्वेंशंस में लेडीज की भीड़ ज्यादा रहती है, आदमी लोग धंधे में लगे रहते हैं। आपको एवरेज नहीं मालूम है क्रूसेड का? सबसे ज्यादा संग इसलिए लेडीज, आप यही देख लीजिए आप। इसलिए बड़े प्लॉट में बहन लोग बैठी, छोटे प्लॉट में भाई लोग बैठे। ऐसा वाला रेशियो क्रूसेड में भी रहता है। हर जगह यही मामला है। ये बुराई कोई गुजरात अकेले की नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ये रोग लगा है, एवरीवेयर। परंतु कल जब हम वहां थे ना खांडवारा में, हमने खांडवारा में हमने देखा कि खांडवारा में जितनी लेडीज की संख्या थी उससे ज्यादा पुरुषों की संख्या। मैं बोला ये तो थोड़ा अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है। हमने आज तक गुजरात में ये देखा था कि बहने लोग ज्यादा रहती हैं, भाई लोग कम रहते हैं, परंतु खांडवारा की मीटिंग में पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, लेडीज की संख्या कम थी। हमने कहा मान गए। तो भाई साहब आप अपनी पत्नी को ये कह के मत भेजा देना, मेरे लिए भी दुआ मांग लेना। तो इनके पास से मृत्युदूत चला जाएगा, आपके पास आएगा तो प्रॉब्लम आपका पास। इसलिए वरदान पाने में पुरुष लोग काफी पीछे रहते हैं, क्योंकि व्यापार में बिजनेस में उनको फुर्सत नहीं मिलती है। अरे हफ्ते में एक बार दुकान तो बंद कर ही सकते हो। हमने 12 साल नौकरी किया, रविवार कभी ड्यूटी नहीं गई। एक बार हमारे ऑफिसर ने हमको बुलाया, आज रविवार है आप ड्यूटी कर लीजिए। सर रेजिग्नेशन लेटर लिख के लाया हूं मैं, नौकरी छोड़ दूंगा परंतु रविवार के दिन ड्यूटी नहीं करूंगा। तब से हम इतने प्रसिद्ध हो गए, किसको तुम रविवार के दिन ड्यूटी मत देना, एक अच्छा आदमी चला जाएगा, छोड़ ही देगा ये नौकरी। इसलिए जब कभी भी हमारा नाम आए, भले ही जहां जहां आग लगना है लग जाए, हमको ड्यूटी में कोई नहीं बुलाता था रविवार। जैसे मुसलमान नमाज नहीं छोड़ सकता, हम परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ सकता। और इतनी इमरजेंसी है ही तो शाम के टाइम बुलाना, जब हमारा चर्च खत्म हो जाए तब भी हम आएंगे। तब से हमारे अधिकारियों को मालूम था ये मुसलमान से कोई कम नहीं है, अपनी नमाज को नौकरी से ज्यादा महत्व देता है। तुम हम भी जाएं, तुम हम रविवार के दिन ड्यूटी धंधा कर लें, और हमने नहीं किया। नो कंसीडरेशन। 1978 के बाद से केवल 4 रविवार ऐसे रहे हैं जिन 4 रविवारों में अज्ञानता पूर्वक मैं ट्रेन में और फ्लाइट में था। मुझको 4 रविवार याद हैं। इन 40 सालों में 4 रविवार में आराधना करने नहीं गया चर्च में, ये मेरे रिकॉर्ड है। इसलिए हमारी गाड़ी पीछे 48 सालों से पटरी पर चल रही है, मेरी नहीं, यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे आईना रखने की आदत है, जो होना है हो जाए। एक बार शनिवार की रात मीटिंग खत्म हो गई तो हमने अननोइंगली बोल दिया था कि दूसरे दिन तुम मीटर हमारी ट्रेन में रिजर्वेशन कर देना। हम जब ट्रेन में बैठे तो हमने पूछा आज कौन सा दिन है, तो पड़ोसी कहता है रविवार है। बोला दिमाग खराब हो गया, रविवार है।
हमारा झगड़ा हो गया। हमने कहा रविवार की चर्च लगा के मैं आया हूँ, सर आपका माथा खराब है, जरा कैलेंडर उठा के देखिए आज तारीख कौन सी है और दिन कौन सा है। तब मैं बोला हे प्रभु, अब हम ट्रेन में बैठे रो रहे हैं, प्रभु आज तो मुझे तेरे भवन में होना चाहिए। अननोइंगली ऐसा हो गया क्योंकि मीटिंग शनिवार की रात तक थी, तो हमको लगा दूसरे दिन सोमवार है, क्योंकि हर मीटिंग जो है रविवार की रात को खत्म हो जाती है और ये मीटिंग शनिवार की रात को खत्म हो गई, तो हमको ये लगा कि आज रविवार है इसलिए सोमवार समझ के टिकट कटवा लिया था, जबकि वो था शनिवार और हमारी टिकट कट गई रविवार। ऐसा करके हमको रोना पड़ा, हे प्रभु आज मुझे तेरे भवन में होना चाहिए था, परंतु आज मैं कहां हूं ट्रेन में। वैसे चार रविवार गलती हुई थी, तीन बार तो अनजाने में हो गई, चौथी बार मजबूरी थी मेरी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर केरल तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। रविवार के 9:30 बजे हमारी फ्लाइट ट्रिवेंड्रम में पहुंची। मैं बोला प्रभु चौथी बार गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सोमवार की सुबह से सेमिनार है और कोई रास्ता नहीं, मुझे माफ कर दे। मैंने क्षमा मांगने के बाद में चौथी बार ये गलती किया कि आज मैं रविवार तेरे भवन में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इसका ब्याज बट्टा सही दूसरे दिन की मुझसे वसूल लेना, परंतु आज मुझे माफ कर दे। आपको मालूम है इतनी गंभीरता से यदि आप अपने परमेश्वर के दिन को याद करिएगा, तब उसको भरोसा होने लगता है कि इस पर जवाबदारी दी जा सकती है। ये बहुत आसान है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर को तुम्हारी ऊपर विश्वास है। इट्स इजी टू हैव फेथ इन गॉड, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गॉड कैन ट्रस्ट अपॉन यू। हमको परमेश्वर पर भरोसा है, क्या खुदा तुम पर भरोसा रखता है? अब्राहम को एलियाजर के ऊपर भरोसा था कि इसहाक के लिए वो पत्नी लाएगा तो रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। एलियाजर ने अपने स्वामी के बेटे इसहाक के लिए कनानी लड़की लेके आया, 3 दिन की यात्रा थी, अंधेरे में कुछ भी कर सकता था वो, परंतु अब्राहम को एलियाजर के ऊपर भरोसा था। क्या खुदा को हमारे ऊपर भरोसा है? देखो चर्च तो कोई भी आता है, बपतिस्मा तो कोई भी लेता है, गाना तो कोई भी गाता है, दान तो कोई भी देता है, बाइबिल तो कोई भी पढ़ता है और बाइबिल का प्रचार कोई भी करता है, कि खुदा को हमारे ऊपर यकीन है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। जिस दिन खुदा हमारे ऊपर विश्वास कर लेगा, उस दिन वह हर प्रकार के दान वरदान और जवाबदारियां देने में तनिक देरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारे ऊपर भरोसा हो गया है। कभी आपने इस बात का ख्याल किया कि परमेश्वर तुम पर विश्वास करता? हम करते होंगे उस पर विश्वास, परंतु क्या परमेश्वर हम पर विश्वास करता है? यदि परमेश्वर हम पर विश्वास नहीं करता तो वह हमारी अपनी बिटिया की जवाबदारी, अपनी दुल्हन की जवाबदारी देगा भी किस सर पर हमको? तुम तो झड़िया में ले जा लेते हो कलीसिया को, तुम तो संस्था को बेच देते हो, तो कैसे याजकों के ऊपर में भरोसा रख करके वो कहेगा? याद रखिएगा, वह अपनी दुल्हन का हाथ किसी भी गैर पुरुष के हाथ में जब तक भरोसा नहीं हो जाता तब तक नहीं देता वो। हाँ, इसलिए हमको अपने पिता के दिल में विश्वास जगाना होगा। तो संपूर्ण परिवार के लोग पैर में जूता पहन करके रोटी खा रहे थे, ऐसा नहीं कि पति अकेला जूता पहन ले, पत्नी चप्पल ही नीचे चली जाएगी स्लीपर में। ना ना ना, सब लोग जूता पहनिएगा। आदमी लोग कमर में पट्टा बांधे थे, बहन जी तुम भी बांध लीजिएगा पट्टा, जितने मेमने खाएंगे सबको पट्टा बांधना पड़ेगा। पैंट को क्या बोलते मराठी में? गुजराती पट्टा, पट्टो। हाँ पट्टो, पट्टो बांधिएगा, पट्टुका जिसको बोलते पट्टो। कमर कस लिया, यीशु मसीह ने भी अपनी कमर में आंगोछा कस लिया, चट्टी बनियान में था बेचारा, पूरा गाउन उतार के खुटी पर लटका दिया, चेलों के पैर धो रहे हैं,
तुमने जूता उतार दिया है। याद रखिएगा, अखमीरी रोटी का पर्व है, सातों दिन हमको खमीर निकाल बैठना है। आज जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं वो विषय है, एक और चीज है, ठीक है, क्या आ गया है, जूता तो पहन लिया सर, हाथ में डंडा भी ले लेगा लिखा है। वाह, निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां पद, खाने की यह विधि है कि कमर बांधना, जूता पहने और हाथ में लाठी लिए ले लेना, हाथ में लाठी। तो हमने थोड़ा सा छेड़ करके आपको ये कह दिया था, लाठी, हेलो, yes. क्या लेके रखना, लाठी। तो लाठी कौन से हाथ से पकड़ते हैं, सीधे हाथ से कि उल्टे हाथ से? खाना कौन से हाथ से खाते हैं? अब सीधे हाथ से खाना वाला, खाना खाने वाले हाथ में लाठी पकड़ लिया, तो अब खाना कौन से हाथ से खाइएगा? या तो मत खाइए, नहीं जी, सीधे हाथ में तो लाठी हो गई, इसलिए मैं क्या करता हूं, अब हाथ ही मेरा एंगेज्ड हो गया है तो अब नहीं खाता। तो प्रभु जी कहते हैं, दूसरा हाथ क्या कट गया, लेपरसी हो तो तेरे को लकवा मार दिया क्या, चल पकड़ डंडा सीधे हाथ में और उल्टे हाथ से खाना खा। अभी तक सीधे हाथ से खाना खाने वाला उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो आप ही बताइए ठीक से बनेगा क्या? क्या मतलब है इसका? अभी सीधे हाथ का क्या महत्व है आप बताइए? जब कभी पगार लेते हैं तो कौन से हाथ का अंगूठा मारते हैं? सीधे हाथ का अंगूठा नहीं मारते, ठीक है कि? अब आप पत्नी जी हैं, ये बनेगी कभी, तो पुरुष जो है स्त्री की कौन से तरफ खड़े रहता है? क्यों, आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटी थी? अच्छा, कुछ लोगों के साथ नहीं घटी थी जो कुंवारे हैं, है? पति के किस ओर पत्नी रहती है या पत्नी के किस ओर पति रहता है? चलो हमें बता देते हैं, अब फोटो देख के याद करना, ठीक है? पति के उल्टे हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर पत्नी रहती है, तो पत्नी के किस ओर पति हो गया? सीधे हाथ की तरफ। पत्नी के दुल्हन के राइट हैंड साइड में दूल्हा रहता है, इसलिए दुल्हन को सिर ढांपना पड़ता है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन का सिर है। पुरुष सिर न ढांके, स्त्रियों को सिर ढांकना चाहिए, जो पद्धति प्रभु जी ने अपनाई है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, अर्थात अथॉरिटी, अधिकार। जैसे तन के ऊपर प्रभुता करने के लिए सिर का काम है, वैसे ही पत्नी का सिर अधिकार अथॉरिटी क्या है? पति है, ये राइट हैंड है, इसलिए तुम्हारे हाथ में ये लाठी होनी चाहिए, अर्थात अथॉरिटी, अधिकार। जरा ध्यान से सुनना, बड़े प्रकाशन की बात है, जब तक आपके हाथ में लाठी नहीं होगी तो जिस हाथ से, जरा सुनो, जरा जिस हाथ से तुम जिंदगी भर रोटी खाते रहे हो, उस हाथ को अब तुम प्रभु की लाठी पकड़ने के लिए दे देना। That means give your authority to the Lord. अब इसको यही रख दीजिएगा, ठीक है? चलो वापस चलते हैं, ठीक है, निर्गमन में चलेंगे, थोड़ा बाइबल भी निकालो ना, मजा आएगा। निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 पद से, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और वह जंगल की परली और हेब्रोन नाम होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत में ले गया, पर्वत के पास ले गया,
और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि करके देखा कि झाड़ी तो चलती है पर तो भस्म नहीं होती है। अब यहां से परमेश्वर और मूसा के बीच में एक वाद विवाद चल पड़ता है, ठीक है कि नहीं? ओके। तब परमेश्वर और मूसा के बीच में जो वाद विवाद हुआ, उसमें जो भी बहस आर्गुमेंट हुआ, उस पर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। अब चौथे अध्याय में आ जाइए, चौथे अध्याय में नहीं, ठीक है, अब चौथे अध्याय में आ जाएं और उसका 17 पद पढ़ें। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को तू दिखाना। अब ठहर जाइए, ये जो लाठी है ये मूसा की लाठी है, ठीक है, ओके। चौथा अध्याय का एक पद से मैं पढ़ूंगी। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि में डाल दे। ये मूसा की लाठी है। एक मिनट रुकी, हमारी तरफ देखिएगा, ये लाठी आई कहां से? यदि आपने मूसा नाम पिक्चर देखा होगा, बाइबल में लिखा तो नहीं है, टीका में जरूर है। जब फिरौन को पता चल गया कि मूसा ने इजरायली को बचाने के लिए मिस्री को मारकर रेत में छुपा दिया, तो फिरौन जो भी कि मूसा को प्यार करता था, परमेश्वर ने मूसा के लिए इंतजाम किया था कि 40 साल की पहले फेस की ट्रेनिंग तेरी पूरी हो गई, अब मैं दूसरे फेस में तुझको ले जाऊंगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने दिया। एंड देन इसके बाद में ये जो घटना घट गई, उस चक्कर में परमेश्वर की सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर मूसा को मिस्र से निकाल के बाहर करके दूसरी ट्रेनिंग में ले जाना चाहता था, तो उसको मरने से बचा लिया। फिरौन के दिल में मूसा के लिए प्यार था, इसलिए उसने तत्काल मजबूरन कानून की रक्षा करने के लिए मोसेस एक बार बोल दे, मैंने हत्या नहीं किया है, सब उलट पुलट कर दूंगा पर तुझको बंगले से जाने नहीं दूंगा। परंतु मूसा ने झूठ बोलने के बजाय अंगीकार कर लिया, मैं हिब्रू हूं, हिब्रू, मैं इब्रानी हूं, मिश्री नहीं हूं। तब पत्थर दिल अपने ऊपर रख करके फिरौन ने कहा, इसको चमड़े की थैली में पानी दे दो और एक डंडा दे दो और पीठ में रोटी का एक बक्सा दे दो। तो मूसा को कपड़े में बांध कर कुछ रोटियां दे दी गई, उसको पीने के लिए पानी का एक थैला दे दिया गया और उसके बाद उसको एक डंडा दे दिया गया और इस उल्टी सीधी लकड़ी को लेकर के वह मिस्र से निकला और सारे रास्ते भर इस लकड़ी को वह देखते देखते रेगिस्तान को पार करके यित्रो के देश में पहुंच गया है। ये वही लाठी है जिसकी शुरुआत मिस्र से निकलने के बाद शुरू हुई थी। ये कई बार टूट गई, उसने फिर दूसरा डंडा बदल लिया, परंतु लाठी लाठी ही रही है। इसके बाद यही वह लाठी है
जिसको 40 साल लेकर के वह अपने ससरे यत्रो की भेड़ बकरियों को सपोरा के साथ में जंगल में चराने के लिए ड्यूटी और नौकरी करते रहा। इन 40 सालों में मूसा ने इस डंडे को हाथ में रखे रहा, ठीक है ना। ये ड्रम बजाते हो, आपको इधर स्टिक दे दो आपका। सो इस तरीके से फिरौन के अर्थात मिस्र से निकलने के बाद ठीक है, लकड़ी देखते हो। सो ये वाले भैया जो ड्रम बजाते हैं ना, तो मोटी वाली इधर पकड़ के रखते हैं, पतली वाली से ठोंकते हैं, और जो डंडा पकड़ते हैं उनको आइडिया होगा, वो मोटे तरफ से पकड़ते हैं डंडे को कि पतले तरफ से पकड़ते हैं। जोर से बोलिए, आइडिया तो हो गई। तो ऐसा करके मूसा लकड़ी लेके चलता था, गोरी वाली जगह से काली नीचे रहती थी, और ऐसा करके करके 40 साल इसको ठोक ठोक के ये जो है ना ब्रश के समान बन गया था, पत्थर में टकराया था, इसकी भंसियां निकल गई थी, बारीक बारीक ऐसे सुई के समान निकल गए थे। इसी से भेड़िए को मारा था तो उसमें खून भी लगा था, और ऐसा ऐसा करके गोबर कीचड़ से ये पूरा की पूरा डंडा अनकंफर्टेबल जोन है ये, और ऐसा पकड़ पकड़ के हाथ के चर्बी से ये चिकना हो गया, जैसे कोई है ना फाइल पेपर से साफ कर देते। इसलिए जिस स्थान में ये पकड़ा जाता है उसको बार बार ऐसा करने के टाइम पर ये हिस्सा बिल्कुल चिकना हो जाता है। ये इस तरफ से मूसा ऐसे करके लकड़ी पकड़े रहता था, ये गोरे तरफ से काला नीचे का है। तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? बोले लाठी है, उसको मेरे सामने डाल दे। अब जरा देखिएगा, मैं इस लाठी को, ये सामने है परमेश्वर, मैं इधर हूं और ये डंडा मेरे हाथ में है, तो बताइए मैं जब लाठी रखूंगा तो कौन सा वाला हिस्सा किस तरफ रहेगा? चिकना वाला हिस्सा मूसा की तरफ, और टूटा फूटा गोबर लगा खून लगा पत्थर से टकरा टकरा के उसके बांस की चिकनी चिकनी परतें फट गई थी, और उसमें बारीक बारीक सुई के समान फांस निकल गई थी, और ऐसा पटक पटक के ये नीचे का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया था, वो वाला हिस्सा ऐसे करके परमेश्वर के सामने रख दिया। तो वो सांप बन गए। और बाइबल कहती है कि मूसा सांप के सामने से भागा। जरा पढ़ के देख लो, नहीं तो आप बोलोगे अंकल जी आप तो फेकोलॉजी बता रहे हैं। जरा देखिएगा, उसने कहा भूमि पर उसको डाल दे, तीसरा पद, और जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वह सर्फ बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। बोलिए, मूसा उसके सामने से भागा। अब एक बात बताइए, ये चिकना वाला हिस्सा मेरे तरफ है, खुरदुरा वाला हिस्सा परमेश्वर के तरफ है। जब परमेश्वर के सामने उसने ऐसा लकड़ी डाला तो मूसा को सांप के सामने सर्प के सामने से भागना पड़ा। तो आप ही बताइए, लाठी का कौन सा वाला हिस्सा मुंह बना कि मूसा को उसके सामने से भागना पड़ा? भाई ये लाठी मैंने परमेश्वर के सामने लाठी डाल दी तो ये सांप बन गई, सर्प बन गई। तो मूसा को यदि सर्प के सामने से भागना पड़ा तो लाठी का कौन सा वाला हिस्सा मुंह बना होगा और कौन सा वाला हिस्सा पूंछ बना होगा जिससे कि मूसा को सांप के सामने से भागना पड़ा? हाँ, पतला वाला हिस्सा क्या बना? मुंह बना। और मोटा वाला हिस्सा क्या बन गया? पूंछ बन गया। तभी ना भागेगा वो, सामने तो नहीं ना गया, सामने तो यही ना है, ये देखो ये मुंडी। तो सांप जो था, ये लाठी जो है सांप बन गई, तो इस लाठी का चिकना वाला हिस्सा
मुंह बन गया और उसका मोटा वाला हिस्सा पूंछ बन गया, इसी कारण से लाठी के सामने मुंह सर्फ का मुंह बनने के कारण मूसा को भागना पड़ा। प्रभु जी ने कहा उसको उठा ले। अब आप बताइए सांप को पकड़ने के लिए यदि परमेश्वर बोल रहा है तो उसने मुंह की तरफ से पकड़ा होगा कि पूंछ की तरफ से पकड़ा होगा? जोर से बोलिए ना, पूंछ की तरफ से पकड़ा। पागल हुए जो मुंह की तरफ से पकड़ लो, तुमको मरने का डर नहीं क्या है कि नहीं? तो मूसा ने क्या किया, उसको उल्टे तरफ से पकड़ लिया। तो जैसे ही पूंछ पकड़ा तो वो क्या बन गया, लाठी बन गई। तब मूसा के हाथ में लाठी का कौन सा हिस्सा आया, खुरदुरा वाला हिस्सा आया, जहां पर फांस निकली हुई है, क्या बोलते हैं बारीक बारीक जो निकली रहती है, जो चुभ जाती है बांस को ऐसे ऐसे कर दो तो उसकी छोटी छोटी बांस ऐसे हाथ में जग जाएगी तो बारीक बारीक सुई के समान निकल जाती, क्या बोलते हैं सुई, सूर सूर सूर, प्रभु आप ही जानते हैं। इसके बारीक बारीक बांस के छोटी 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 सुई के समान ऐसे निकल जाती है। इधर पकड़िएगा, बार बार ऐसा कीजिएगा। अभी देखो दो तीन बार मैंने इसको रगड़ा ना तो मेरे हाथ में कुछ खुरदरापन आ गया, क्योंकि उन्होंने पटक पटक के इसका पूरा खेल कर दिया। ये आरामदेह नहीं है, मेरे हाथ में लग गया है। ठीक है, अब ये वाला पकड़े तो अच्छा लगता है क्योंकि इनके हाथ की चिकनाहट मेरे लिए मदद कर रही है, इसलिए पहले पेंट करके रखे थे कि तुमको आराम मिले। कई बार हम याजक लोग जहां पकड़ना रहता है वहां पेंटिंग मार देते हैं। अब मूसा को कहां से पेंटिंग मिलेगा भैया, ये वाला हिस्सा तो भेड़िए के बाल से, गाय के गोबर से, पत्थर से टकरा टकरा के इसका निचला हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो गया था, और पत्थर से टकरा टकरा के इसका नीचे ऐसे सुई के समान छोटी छोटी वो निकल गई थी, जिस पर पकड़ने के टाइम पर बार बार उसको यूं करना पड़ रहा है, बार बार उसको यूं करना पड़ रहा है, बार बार उसको यूं करना पड़ रहा है। हालेलुया, आज हैप्पी बर्थडे होने वाले, उसने पहले मना लिया उसने। आज प्रभु हमारा भी हैप्पी बर्थडे करेगा, क्योंकि हमको मिस्र से निकलने का समय आ गया। तब जिस लाठी को मूसा पतले तड़प से पकड़ के रहा वो मूसा की लाठी थी, परंतु जब इस लाठी को उसने परमेश्वर के सामने डाला और वो सांप बन गई, उसके बाद से मूसा ने पूंछ तरफ से लाठी को पकड़ने के बाद जब उसको अनकंफर्टेबल जोन की तरफ चला गया, जब आराम रहित दशा में उसने डंडे को पकड़ लिया, तब बाइबल कहती है मूसा के हाथ में जो लाठी अब तक मूसा की लाठी थी, जो 40 साल से भेड़ बकरियां अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम आ रही थी, अब वो यहोवा की लाठी बन गई। जरा देखिएगा वहां क्या लिखा है, 20 पद पढ़िएगा, 4:20। और मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। बोलिए परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर मूसा मिस्र की ओर लौटा। तो डंडा कैसा पकड़ा होगा, पतले तरफ से कि मोटे तरफ से? अरे डंडा पतले तरफ से पकड़ा था कि मोटे तरफ से पकड़ा था? मोटे तरफ से। और मोटे तरफ वाले डंडे में क्या है, खुरदुराहट है कि चिकनाहट है? यदि चिकने तरफ से पकड़िएगा तो वह आपकी लाठी होगी, यदि खुरदुरे तरफ से पकड़िएगा तो परमेश्वर की लाठी होगी। जिस लाठी को मूसा सीधा पकड़ा वह मूसा की लाठी थी, परंतु जिस दिन मूसा ने लाठी को उल्टा पकड़ लिया वह परमेश्वर की लाठी बन गई।
इसलिए आज तक हम जब ऐसे थे ना, अब तुम ऐसे हो जाइएगा। खाली हो जाइए, उंडेल दीजिए अपने आप को। जब तक हम अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी को अपने परमेश्वर के सामने नहीं रखें, और जिस तकलीफदायक जगह से डंडा पकड़ने के लिए प्रभु बोलेगा उसको जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे, तब तक यह मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी में नहीं बदल पाएगी। आज बहुत से लोग अपनी अपनी लाठी लेके चलते हैं, परमेश्वर की लाठी उसको बनाया ही नहीं, और आपकी लाठी से भूत नहीं भागने वाला। परमेश्वर की लाठी से चमत्कार होता है। देखो, मूसा की लाठी से भेड़ बकरियों का इंतजाम होता है, भेड़िए का इंतजाम होता है। जरा सुनिए भाई जान, दीदी लोग, मूसा की लाठी से भेड़िए का हिसाब होता है। मूसा की लाठी से वह अपने बदन को कीचड़ में संभालने में उपयोग में लाता है। मूसा की लाठी से वो कहीं ना कहीं भेड़िए को मारने के लिए काम में लाता है। परंतु जब वह उसको उल्टा तरफ से पकड़ लेता है, तब परमेश्वर की लाठी बन जाती है। और जो परमेश्वर की लाठी है, ये जो परमेश्वर की लाठी है, वो लाठी आगे चल के कुछ करने वाली है। जरा देखना है, बड़ा मजा आएगा। ये सब कहानियां जरूर है भैया, परंतु इसके पीछे बड़ा रहस्य है। ठीक है, सातवां अध्याय में आइएगा ना। एक पद से मैं आपके लिए पढ़ूं, काम की बात में रुक जाएंगे। निर्गमन 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराता हूं, और तेरा भाई तेरा नबी होगा, और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही कहना। हारून और फिरौन से कहना, जिससे वह इसराइलियों को अपने देश में से निकाल ले आए। ठीक है, अभी चौथे पद में लिखा है, तो भी फिरौन ने उसकी बात नहीं सुनी। पांचवे पद में, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाऊं, इसराइलियों को उसके बीच में से निकाल लूंगा, तब तुम जान लोगे कि दसवां पद पढ़ें। मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार, हारून ने अपनी लाठी को फिरौन के कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गई। लीजिए सर। हेलो, थोड़ा ध्यान दो, फिर से सुनो। मूसा 40 साल किस तरफ से डंडा पकड़ा? अरे जोर से बोलो, पतले तरफ से। तब उसने परमेश्वर के सामने डाला, तो सांप का मुंह किस तरफ बना? पतले तरफ। तो उसने पूंछ से पकड़ लिया, तो वो मूसा की लाठी किसकी लाठी बन गई? परमेश्वर की लाठी। थोड़ा जवाब दोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो पता चला आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मूसा की लाठी किसकी लाठी बन गई? अब मूसा ने हारून को बोला, ले डंडा डाल दे, तो उसी तरफ से ना पकड़ा होगा जिस तरफ से मूसा ने पकड़ा था। कौन सी तरफ से पकड़ के ले चला था? मोटे तरफ से। तो अब मोटे तरफ से पकड़ने के बाद में मूसा ऐसे करके लाठी रखेगा, तो फिरौन के तरफ उसने ये लाठी रखी, तो ये कौन सा वाला हिस्सा था जिस हिस्से में लाठी सर्प बनी थी? पतला वाला हिस्सा। तो पतला वाला हिस्सा किसके तरफ आ गया? फिरौन की तरफ गया। ठीक है, ये सांप बन गई।
तो ये सांप सीधे फिरौन की तरफ गया है। ड्रामा देखना भैया, तो सीधे चला वो फिरौन की तरफ में, तो बेचारा फिरौन भागा, ए कपड़ा बड़ा समेटने लगा ये भैया। तो उसने कहा ए तुम भी चमत्कार दिखाओ, तो जादूगर आए, उन लोगों ने भी अपना डंडा रखा, उनका डंडा अब जरा देखना, ये फिरौन के जादूगर भी पतले तरफ से डंडा पकड़े थे, जरा सुनिएगा, फिरौन के जादूगर पतला तरफ से डंडा पकड़े थे, तो उन्होंने मोटा तरफ मूसा की तरफ किया, तो फिरौन के जादूगरों ने भी डंडे से सांप बना दिया। अब एक बात बताइए, तो फिरौन के जादूगरों के डंडे से जब सांप बना, तो फिरौन के जादूगरों के डंडे का कौन सा वाला हिस्सा मुंह बना कि मूसा के सांप की तरफ भागा मोटे तरफ से, जरा देखिएगा। अब मूसा की लाठी के पतले तरफ का मुंह सांप बना, तो सर्फ बना या अजगर बना, तो मूसा की लाठी का सांप इधर से निकला और फिरौन की लाठी के सांप इधर सामने आए, तो दोनों में झगड़ा हुआ। तो क्या किया, मूसा की लाठी के सांप ने फिरौन की लाठी के सांप को ऐसे करके, जैसा अजगर निकल जाता है ना, वैसे फिरौन की लाठी के सांप को मूसा की सांप लाठी के सामने निगल लिया। मूसा गया और उसने पूंछ तरफ से अपने सांप को उठा लिया, तो फिर बन गया डंडा। अब आप ही बताइए, इस लाठी के सांप, इस लाठी के अंदर किसकी लाठी समाई है? फिरौन की लाठी। अब फिरौन के जादूगरों की लाठी कहां गई? अरे फिरौन के जादूगरों की लाठी कहां गई? एक तो लाठी का नुकसान हो गया, क्योंकि मूसा के सांप ने क्या कर लिया, फिरौन की लाठी के सांप को क्या कर लिया, निगल गया। तो फिरौन की लाठी का सांप कहां गया? मूसा की लाठी के सांप के अंदर। अब दम है बेटा, तो मेरे सांप के पेट से निकाल ले तू अपनी लाठी, यही तो डंडा पकड़ के खाना है। आपको क्या समझता है, बांस का डंडा था? ये परमेश्वर का अधिकार है जो फिरौन के अधिकार को निगल लेता है। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ गॉड विच हैज द अथॉरिटी टू डिमोलिश द अथॉरिटी ऑफ दिस किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के अधिपति का जो अधिकार है, उस अधिकार को परमेश्वर के राज्य का अधिकार खा जाता है। ऐसी वाली दशा को प्राप्त करके एक इंसान को मेमने को खाना है। दिस इज द अथॉरिटी। आपको दुनिया की कोई किताब में यह कहानी नहीं बताई जाएगी, ये सब प्रकाशन की दुनिया का भेद है। क्योंकि फिरौन मोटे तरफ से सांप का मुंह बनाते रहा है और परमेश्वर पतले तरफ से सांप का मुंह बनाते रहा है। वह अपने रथों और घोड़ों पर भरोसा रखता है, परमेश्वर अपनी नम्रता और दीनता पर भरोसा रखता है। दाऊद ने जब गोलियात के सामने खड़ा, तो गोलियात कहता है इधर आ, मैं तेरा मांस इसी समय कौओं को खिलाऊंगा और कुत्तों को बांट दूंगा। तो दाऊद ने कहा ए तू तलवार और भाले पर विश्वास करके यहोवा की प्रजा को ललकारता है, मैं तेरा सिर तेरी तलवार से काट डालूंगा। बोले इधर आ पागल कहीं का। बोले मैं पागल हूं कि वो तू पागल है, तो 5 मिनट के बाद में फैसला होगा, तब समझ में आएगा। और जब दाऊद ने अपना हाथ ऐसा ऐसा किया, तो गोलियात कहता है अच्छे से तोड़ हड्डी, फिर आना लड़ने के लिए, ठीक है। बोले तेरी हड्डी क्या, और ऐसा ऐसा घुमाया, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, उल्टा लकड़ी पकड़ के रखा हूं, दिमाग खराब मत करना, तूने सीधा लकड़ी पकड़ा है, मैंने उल्टी लकड़ी पकड़ा हूं, मेरा सांप तेरी लाठी को खा जाएगा। मूसा गोलियात, माफ कीजिए, दाऊद का
यहोवा पर भरोसा और पलिस्तीनी गोलियाद का उसके ईश्वर पर और भाले विश्व पर और अपने भुजंग ऊंचे हट्टे कट्टे शरीर पर भरोसा दाऊद के सामने महंगा पड़ गया और एक ही पत्थर से उसने गोलियाद को तू पीछे नहीं गिरना रे आगे गिर सलाम कर मेरे पैर को। आपको क्या समझता है ये मूसा की लाठी और फिरौन की लाठी के सांप के बीच में? वो रथों पर भरोसा करता है, मोटे तरफ से सांप का मुंडी बनाता है। खुदा कहता है तू मोटे डंडे से मुंह बनाता है और पतले डंडे से पूंछ बनाता है, मैं तो पतले डंडे से मुंह बनाता हूं और मोटे डंडे से पूंछ बनाता हूं, इसलिए तो मेरा सांप तेरे सांप को खा गया। प्रेज़ अल्लाह। मनुष्य की अथॉरिटी जब परमेश्वर के हाथ में चली जाती है, जब मनुष्य की इंद्रियां परमेश्वर के हाथ में चली जाती हैं, तब परमेश्वर उसको उल्टा बना करके अपनी इंद्रियों में बदल देता है। जब आपका उठना बैठना चलना फिरना मेरे प्रभु के नियंत्रण में चले जाए, तब आप इस कंफर्टेबल जोन को त्याग दीजिएगा और कड़वे साग पात के साथ में मेमना खाना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए करेले की पत्ती खाया करिए, चुभेगी ये लकड़ी, ये आरामदायक नहीं है। आज हम प्रभु यीशु से आराम ढूंढते हैं, कष्ट नहीं। कल हम बता रहे थे लोग हाथ की सेवा करते हैं, पैर की कोई नहीं करता। सब मांगने वाले हैं, उसको देने वाला कौन है? सब सीधा पकड़ते हैं डंडे को, उल्टा कौन पकड़े? इसलिए तो हम परमेश्वर की लाठी नहीं बने। जिस दिन हम अपना आराम वाला जीवन त्याग देंगे और परमेश्वर के लिए नियमानुसार चलने के लिए कड़वे साग पात के साथ में मेमना खाने लगेंगे, उस दिन ये लाठी जो हमारी लाठी है वो परमेश्वर की लाठी बन जाएगी और उसको सीधे हाथ में पकड़ लेना एंड देन फिर उल्टे हाथ से तुम मेमने को खाना, ऐसा दिखाए, तब मृत्यु दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रेज़ अल्लाह। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, लोग आराम ढूंढ रहे हैं। हे प्रभु मेरे बाल बच्चों को आशीष दे। अरे ठीक है, देगा, बोल दिया है, लिखा है, तो देना तो पड़ेगा ही उसको ना। परंतु कब तक हाथ की ओर ताकिएगा? उसकी सेवा कब कीजिएगा? जब बच्चा छोटा होता है तब माँ दूध पिलाती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। ले माँ दूध पी ले, स्तन का कर्ज गिलास से पूरा करते हैं। आजकल के बच्चे तो दूध पिलाते ही नहीं, बल्कि टेंशन देते हैं, पापा आगे वाला प्लाट मरने से पहले हमारे नाम पर कर दो ना। अरे हीरो, बाप को मरने से पहले रजिस्ट्री करवा लिया तुमने, हैं? कहां गए ऐसे बच्चे जब अपने पापा को दूध पिलाते हैं? कभी पापा के लिए बेटे ने ली और रेमंड के जूते लाए थे? ये अभी भी बीसीए कर रहे हैं। बीसीए का मतलब बाप के कैश में ऐश। बुढ़ापे तक बाप को तंग आते रहते हैं, पप्पा ये दे दो, पप्पा वो दे दो, तुम कब दीजिएगा? क्या तुमको बुढ़ापे तक देने के लिए बेटा बनाया था? अपन कब दीजिएगा? उल्टी लाठी पकड़ लीजिए, अपने आप को उल्टा कर दीजिएगा, अपनी इंद्रियों का बहिष्कार कीजिएगा, अपनी इच्छाओं का दमन कीजिएगा, मेवाद के साथ लड़िएगा। आराम युक्त जीवन मांगने से बजाय हम प्रभु के साथ दुख उठाने वाले हिस्से को भी अपने जीवन का अंग बना के रखें, क्योंकि इब्रानी की किताब के 13वें अध्याय में बाइबल हमको क्या बोलती है उसको पढ़ ही लें, देन फिर अपन लैंडिंग की पोजीशन में चले जाएंगे। इब्रानी की किताब बिल्कुल आखिरी अर्थात 13वां अध्याय, यदि मैं सही हूं तो खोज निकालेंगे हम, इब्रानी की किताब 13वां अध्याय और उसके यदि मैं 11 पद से पढ़ूं, ठीक है, तो वहां लिखा है जिस पशु का लहू महायाजक पाप बलि के लिए
पवित्र स्थान में ले जाता, उसकी देह है छावनी के बाहर जलाई जाती। इस कारण यीशु ने भी अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। जी बोले, फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस दिला के कहां ले गए? गलगथा पर। आपने इज़राइल की यात्रा की होगी तो जाके देखिएगा, सिटी दीवार से घिरी थी और गुलगथा जो है उस सिटी के जो दीवार है, क्या बोलते हैं उसको, सहरपनाह, सहरपनाह कब्रस्थान, सहरपनाह जो कब्रस्थान होता है ना, वह सहरपनाह से बाहर रहता है। कब्रस्थान सहरपनाह से बाहर रहता है। गेतसमनी बाग सहरपनाह से बाहर है। इसलिए यदि आप फोटो देखिएगा तो नीली पीली सॉल ऐसे यीशु मसीह पत्थर के ऊपर हाथ रखे हैं और जरूशलेम दिख रहा है और जरूशलेम की दीवार दिख रही है। इसका मतलब गेतसमनी बाग दीवार के बाहर था, सहरपनाह के बाहर था, गुलगथा शहर के बाहर था, क्योंकि शहर के अंदर कब्रस्थान नहीं रखते। जिस ढलानों से यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठ के गए थे और नीचे गेतसमनी बाग था और फिर किद्रोन का नाला था और फिर वहां से गोल्डन गेट था, तो प्रभु यीशु मसीह जहां से गधे के बच्चे पर बैठ के आए थे वहीं सारी रात बैठ के प्रार्थना किया था उन्होंने गेतसमनी बाग में। ऊपर से नीचे उतरे और नीचे बड़े बड़े पेड़ हैं और उसके बाद किद्रोन का नाला है और वहां से गोल्डन गेट साफ दिखाई देता है। खैर, यरूशलेम जाएं तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है कि नहीं? प्रभु जी छावनी के बाहर अर्थात बस्ती के बाहर गए और वहां उन्होंने दुख उठाया। अब क्या बोलते हैं 13वें पद में, हमारे पीछे सब लोग बोलो, सो आओ, जोर से बोलिए ना, सो आओ, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। क्या बात के लिए छावनी के बाहर तुम्हें जाना है? क्योंकि तुम्हारा गुरु दुख उठाने के लिए कहां गया था? छावनी के बाहर। तो तुमको भी क्या करना है? छावनी के बाहर जाना है। क्या बात के लिए जाना है? दुख उठाने के लिए जाना है। हालेलुया। तुम्हें भी क्या बात के लिए जाना है? दुख उठाने के लिए। इसका मतलब है चिकने तरफ वाले डंडे को खुरदुरे तरफ वाले डंडे में पकड़ लीजिए। हे प्रभु, तेरी बाइबिल का भी क्या उल्टा सीधा ड्रामा है। आज सब आशीष लेने के लिए खड़े, हम तो चिकने तरफ से डंडा पकड़ेंगे, तो ये आपकी लाठी होगी, उसको उल्टे तरफ से पकड़ो ना तो परमेश्वर की लाठी बन जाएगी। और जब आपके हाथ में खुरदुरे तरफ की लाठी आपके हाथ में आ जाएगी, जब तुम दुख उठाने के लिए यीशु मसीह के साथ छावनी के बाहर जाइए, दुख उठाने के लिए, निंदा सहन करने के लिए, जैसे प्रभु आपके लिए निंदा सहन करने के लिए शहर के बाहर गया, वैसे ही तुम भी यीशु मसीह के लिए निंदा सहन करने को बाहर चले जाइए, तो आपकी लाठी यहोवा की लाठी में बदल जाएगी। इसी डंडे को लेके खाना है, मैं नहीं कहूँ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपके हाथ में परमेश्वर का अधिकार वाली लाठी आ जाए तब इस मेमने को खाइएगा उल्टे हाथ से। ये डंडा मामूली चीज नहीं है। ये डंडा 40 साल तक जिधर उठ गया उधर बर्बादी शुरू हो गई, जिधर उठ गया आशीर्वाद होने लगा। इसी डंडे से चट्टान पर मारा था, इसी डंडे से लाल समुद्र को छुलाया था, इसी डंडे को आकाश की ओर उठाया था, इसी डंडे को जो जो लाठी के द्वारा हुआ
वह मूसा की लाठी नहीं थी वरन परमेश्वर की लाठी थी। ये लाठी जो आज तक भेड़ और बकरियों के पीछे भेड़िया मारने वाली थी, आज फिरौन का राज निकल गई, फिलिस्तीनियों का ठिकाना लगा दिया। रास्ते में जो भी आए खुदा ने इनको रोटी बना दिया। लाठी के पास वो अधिकार है, आकाश से पानी के बजाय मन्ना गिरा देती है। लाठी में वो अधिकार है जो चट्टान को तिड़का करके पानी निकाल देती है। लाठी में वो ताकत है जो परिस्थितियों को बदल देती है। लाठी में वो ताकत है जो आग का खंभा बना देती है। लाठी में वो ताकत है जो बादल का खंभा बना देती है। यह लाठी वह लाठी है जिससे जूते घसने बंद हो जाते हैं। 4 नंबर का जूता 18 नंबर तक लंबा हो जाता है। हालेलुया। आज तक हमने 18 नंबर का जूता नहीं देखा था, परंतु उस युग में दानव रहा करते थे कि नहीं 35 फीट ऊंचे, तो 12 नंबर का जूता नहीं ना लगेगा, 18 नंबर का। इनको भी ना ये खा खा के मोटे हो जा रहे थे। भुकट के चंदन घास मेरे नंदन, जूते नहीं फटे सर 40 साल। ये लाठी का कमाल है, अथॉरिटी ऑफ गॉड। मसीहा उनके साथ चल रहा था, वह सोता बन गया, वह मन्ना बन गया, वह आग का खंभा बन गया, वह बादल का खंभा बन गया। जिस दिन उल्टा हो जाइएगा, स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। इसमें को मारने के लिए 40 साल ट्रेनिंग लिया था मूसा। तुमको क्या लगता है हफ्ता 15 दिन में अपन बदल जाएंगे डीएनए में? 40 साल लगे थे सर, अभी भी हमारा भेड़िया कई बार जाग जाता है इस उम्र में भी। ये लड़ाई तो मरने समय तक लड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं सर? ये लड़ाई आपको मृत्यु के समय तक लड़नी पड़ेगी। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह ने गेतसमनी बाग में क्या प्रार्थना किया था जरा बोलिए तो, जो सही बताएगा उसको शाबाश इनाम मिलेगा। अरे गेतसमनी बाग में प्रभु जी ने क्या प्रार्थना किया था दीदी लोग बोलिए ना, आपने तो मौन धारण करने की कसम खा के बैठी हूँ जी। जो से बोले हाँ बिल्कुल राइट, ये प्याला जो कटोरा मेरे सामने से हटा ले प्रभु। इसका मतलब कष्ट के चक्कर में वो मृत्यु से डर गया था, इसलिए चेलों के पास आके कहता है जागो मेरा मन व्याकुल है, जागो मेरा मन व्याकुल है, तुम एक पल भी मेरे साथ जाग नहीं सके। हे प्रभु उद्धार दिलाने के लिए क्या मौत का प्याला पीना ही पड़ेगा? ये वही प्रभु है जिस प्रभु को मरकुस के 9वें अध्याय में रूपांतर के पहाड़ में एलिया और मूसा ने बोल के रखा था कि तुझे मरना होगा। ध्यान दीजिएगा, तुझे मरना होगा। जब यीशु को मालूम है कि मरना होगा, जब यीशु को मालूम है कि तू मारा जाएगा, तुझको मालूम है कि गाड़ा जाएगा, तुझको मालूम है कि जी उठेगा, तब इसराइलियों का उद्धार होगा। हे गुरुजी, जब परमेश्वर ने कसम खा ही लिया था तुझे मौत के घाट उतारने के लिए, तो अब तू ये प्रार्थना क्यों कर रहा है कि तू मेरे सामने से कटोरा हटा दे? इसका मतलब लड़ाई में से ना मरने के समय तक लड़ना पड़ेगा। मेरा गुरु लड़ा, तुम कौन सी मूली की जड़ रे बाबा? जबकि प्रभु को मालूम था कि मुझे मरना है, जबकि उसको मालूम था कि मैं जी उठूंगा, परंतु मरने के समय तो दिक्कत हो गई ना मेरे प्रभु जी को। जो कहता था डरो मत, वह चेलों के पास आता है तुम एक पल भी मेरे साथ जाग नहीं सकते। जो कहता था तुम्हें शांति मिले, वो कह रहा है मैं व्याकुल हो जाता हूं। तभी ना वो कहता है हे पिता ये कटोरा मेरे सामने से टाल दे। उसने मैं के साथ में अंतिम समय तक लड़ाई किया। मेरा गुरु होने के बावजूद भी वह आदम के डीएनए से अलग होकर के पवित्र आत्मा का डीएनए उत्पन्न करके ही परमेश्वर का पुत्र होकर के जीने वाला यीशु, जिसने पाप जिंदगी में कभी नहीं किया, परंतु दुख की वादियों में उसका मन घबरा गया था, याद रखना, परंतु उसने उस पर भी विजय पाई थी।
Praise the Lord. इसका मतलब है, taking authority over our own dignity is the biggest spiritual warfare which is going to be take place in the human's life, inside of their own life. अंदर से इस युद्ध को हमें लगातार लड़ते रहने की जरूरत है. तब पारंगत होने वाला व्यक्ति अपनी लाठी को परमेश्वर की लाठी में बदल डाले. हम बहुत ऊंची बात बता रहे हैं सर, बड़े बड़े थियोलॉजियंस के मन के दिमाग में ये बातें नहीं. 40 साल का अंदाज है ये. ट्रक भर संतरे को निचोड़ करके हम छोटी सी ना प्याली में दे रहे हैं आपको. विश्व के किसी थियोलॉजियन के पास में ऐसा भेद रहस्य होगा तो आके बताना. क्या शैतान को बोलते हो, भागा 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 भागा, तू मेरे को बाहर भगाता, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं रे. नहीं सर, तू बाहर मेरे को भगाता, मैं अंदर बैठा हूं. ग्रेट कंफ्यूजन है तेरे को. जिस दिन इंद्रियों के ऊपर में अधिकार मिल जाएगा, जिस दिन हम उल्टी लाठी पकड़ने लगेंगे, जिस दिन खुरदरे वाली जगह से हम लाठी पकड़ लेंगे, उस समय हमारे लिए परमेश्वर की लाठी बन जाएगा. और जब वो परमेश्वर की लाठी पकड़ करके हम मेमने को खाएंगे, और वो भी कब तक खाना है, सुबह तक. नो चांस, सुबह तक खाना है, उजियाला होने तक खाना है. जब तक फिरौन तुमको उठा बैग और चल निकल, जब तक ये परमिशन ना मिल जाए तब तक खाते रहना है. और सुनो, बच जाए ना तो ये मिस्रियों के लिए मत छोड़ देना, उसी आग में जला देना, तब डेरा खाली करना याद रखना, उसकी हड्डी भी जला देना बच जाए तो. यू नो सर, उसको कहानी मत बताइए आप, वो भविष्यवाणी है नए नियम की कलीसिया के लिए. यीशु मसीह के आने तक अपने मैं नाम के व्यक्ति से लड़ते रहने का अधिकार इस लाठी से जब हमको मिल जाएगा, यीशु मसीह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे. प्राण देने के पहले भी शैतान उसके पास आया, मांग ले परमेश्वर से वरदान कि मुझको क्रूस पर लटकाने से पहले उद्धार के लिए कोई दूसरे रास्ते का चुनाव कर ले. परंतु परमेश्वर तो आडिक था, नहीं मरना तो पड़ेगा ही तुझे. मैं तेरे आंसुओं को नहीं देख सकता, मैं तेरी व्याकुलता को नहीं देख सकता, तुझे मरना तो पड़ेगा. आखिरकार परमेश्वर कठोर बने रहे. जब यीशु मसीह ने मौत का प्याला पी ही लिया, तब प्रभु जी कहते हैं, मैं मान गया कि तूने मौत के ऊपर विजय पा लिया है, अब जी उठाने का काम मेरा है. किसी भी रीति से जी उठने के पद को मैं प्राप्त करूं, मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं, ऐसा पौलुस कहते हैं. और उसके बाद में वह मौत के मुंह में जाने के टाइम पर कहते हैं, मैंने वो मुकुट पा लिया है, आज मेरा नाम शहीदों की लिस्ट पर है. भाई साहब, आत्मिक जीवन कोई मामूली खेल नहीं है, ये लड़ाई जिंदगी भर लड़ते रहनी पड़ेगी. थक मत जाइए आप, अभी से मन बना लें, बुढ़ापे तक ये लड़ाई लड़नी, मतलब डंडा बीच में नहीं छोड़ना, खाते ही रहना. कब तक? सुबह तक, अर्थात यीशु के दूसरे आगमन तक. परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले. लगभग लगभग हमने फसह के पर्व का जो महत्व था उसके सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, और इस पर चिंतन मनन कर दीजिएगा. इसको और भी लंबा खींचा जा सकता है. दो दिन में इतनी ढेर सारी बातें आपने सीख ली हैं सर, इतनी तो पूरी बाइबल के समान किताब पढ़ने के बाद निचोड़ में मिलता है. इतना भेद जो दो दिन में तुमने सीख लिया ना, वो पूरी बाइबल के समान किताब पढ़ने के बाद निचोड़ में मिलता है. ये तो मान के चलो आपको अरख मिल गया, ट्रक भर संतरे को एक लीटर में दे दिया आपको. अब पी जाइए, थोड़ा थोड़ा थेम थेम पीजिए, खट्टा पी लीजिएगा ना तो डायरिया हो जाएगा. इस पर चिंतन करते रहिए, इस पर मनन करते रहिए, एक एक विषय पर हफ्ते हफ्ते मंथन कीजिएगा, तब इसमें से आपको रस मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा. यही तो प्रेरितों का अनुभव और शिक्षा है. इसलिए तो प्रभु कहा था कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगी रहे. किताब में थोड़ी ना मिलेगा,
ये एवेंजेलिस्ट के पास में नहीं मिलता है, ये प्रॉफिट के पास में नहीं मिलता। वो तो तलवार लेके कान काट के ठीक कहता है, ठीक रहा है कान काट डालूंगा। ये तो प्रेरितों की शिक्षा है, इसलिए प्रभु जी ने प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए कहा था। अभिषेक पाने के लिए अभी प्रॉफिट के पास जाइए, परंतु शिक्षा तो प्रेरित ही दे सकते हैं। भविष्यवक्ता तुम्हारे सिर में बाल्टा भर तेल उंडेल देंगे 5 मिनट में। अब तुम्हारा सींग ही नहीं निकला तो पूंछ में लगा दे तेल प्रभु। जंगली सांड के सिर में जो सींग होता है उसी में ना तेल लगेगा। अब ये बच्चा है, 4 दिन पहले पैदा हुआ है, अब उसका सींग थोड़ा ही ना है, तो सींग ही नहीं रहेगा तो तेल कहां से डालेगा प्रभु। चल इसका सींग नहीं निकला है तो माथे में चुपोड़ दे, नहीं तो पूंछ में लगा दे, जैसे लड़की चोटी में बाल में तेल लगाती है। ला ये सांड के पूंछ में लगा दे तेल। प्रभु कहता मेरा तेल में पूंछ में लगाने का, पुट्ठे में लगाने का नहीं है, सींग में लगाने का। अब सींग निकलेगा तब आप ही बताइए, बछड़े का सींग कब निकलता, पैदा होते बराबर निकल लेता है, तो जवान कौन बनाएगा। अब जवान होइएगा तभी ना सींग निकलेगा, और जब सींग निकलेगा तभी ना तेल चुपड़ा जाएगा। माथे में तो नहीं लगाने की बात, कि सींग में लगाने। तूने मुझे जंगली सांड का सा ऊंचा, मेरे सींग को तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, और मैं टट के तेल से चुपड़ा गया, माथे पर नहीं सींग पर। और आपके सींग निकलने के लिए प्रेरितों की शिक्षाओं की जरूरत होती है। प्रेरितों की शिक्षा के बिना सींग नहीं निकलते बेटा। इसलिए प्रेरितों को प्रभु जी ने आदेश दिया था कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन थे। बस अब आपका माथा ज्यादा नहीं खाएंगे, केक खाने का टाइम आ गया है। चलिए मेमने की खुशी में आज केक हो ही जाए महारानी। है दोनों का, अरे बाप रे दो दो परियां हैं। चलो किसका किसका हैप्पी बर्थडे है। इससे पहले कि हम हैप्पी बर्थडे करें, प्रार्थना करेंगे। आए स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें हंसते खेलते न जाने कितने रहस्यों को समझने के लिए अनुग्रह दिया है बाप। प्रभु वे बातें जो हमारे लिए रखी गई हैं, प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना है आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, और तेरे वचन का प्रकाश हमारे जीवन पर आ जाए, जिससे कि प्यारे पिताजी हम अपनी तैयारी यीशु के आगमन तक करें। हम मिस्र से निकलने के अनुभव में जरूर हो सकते हैं, परंतु मिस्र के अनुभव से लेकर के हमको प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने के लिए इस मेमने के साथ जो व्यवहार करना है, वो जो बातें आपने हमारे सामने रखी हैं, वह हमारी जिंदगी के लिए मंथन और चिंतन का विषय बन जाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर और सम्मान देते हैं। इन 2 दिनों में लगातार आप अखमीरी रोटी के पर्व के महत्व को बताते रहे, प्यारे पिताजी हम आपको महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। फोटो भी छपी है, क्या बात, किसका किसका हैप्पी बर्थडे है भाई, जल्दी आ जाओ, कौन कौन सो रहा जाग रहा है। अरे स्वीट ईरानी, सब अपने अपने केक के पास खड़े हो जाइए भैया। आए हाय, ये तुम्हारी फोटो तो ये है, अरे चलिए क्या बात है, आज दोनों का हैप्पी बर्थडे।
सो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। प्रेसी प्रेजी और स्वीटी क्या बात है, इसमें बड़ा कौन है कि दोनों की एक सरीख रहे। चलिए सो हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज आपने स्वीटी और प्रेजी को नए जन्म में, प्रभु उस नए वर्ष में जब उन्होंने अपने अपने जीवन के पुराने साल को पूरा करके एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, प्रभु इन बच्चों को हम आपके पास लाते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबसे पहले बेटी स्वीटी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं और अपनी कृपा दृष्टि प्यारे पिताजी स्वीटी के ऊपर होने दीजिएगा। और जैसा वह है अपने अंदर नाम रखी है, उसका जीवन भी संसार के लिए मीठा हो जावे। प्यारे पिताजी, हम प्रेसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको प्रेज बना दीजिए, इसको आराधना बना दीजिए, अपने परिवार के साथ इस संसार के लिए वह प्रेज का कारण बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दोनों बिटियाओं को आपके पवित्र लहू में छुपा देते हैं। आज विशेष दिन में इन दोनों का जो बर्थडे है, प्रभु आपकी महिमा इनके अंदर दिखाई देने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद, महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मम्मी पापा जल्दी से आ जाइए। क्या बात है, और यदि आप नहीं आए तो हम दोनों को साथ ले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चले भाई, मूसा ने डंडा पकड़ा था, आप अपना अपना चाकू पकड़िएगा। वेरी गुड, जरा चाकू उठाने में मदद कीजिए छोटी के लिए। वाह, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मोमबत्ती भी तो लगी, जलाओ ना इसको। अच्छा सुनिएगा, होता ये है, हम लोग जब त्योहार आता है तो हम लाइट जलाते हैं कि बुझाते हैं? हम जब केक में लाइट जलाते हैं तो फिर बुझाते क्यों हो? तो अंधेरे में काटते हो उसको, मतलब उजियाला जा, अंधेरे में खाएंगे हम केक। सो आज के बाद में जब कभी आप केक को काटो तो मोमबत्ती बुझा के नहीं, उसको जलते रहने के समय जाए काटो, उसको जलने दो, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आता किसने ये मोमबत्ती जलाने की विधि लाई और तुमको सिखाया किसने कि बुझा के अंधेरे में काटना। अरे दिवाली में दिया जलाते ही कि बुझाते हैं? तो आज इनकी दिवाली है कि नहीं, तो बुझाना चाहिए कि जलाना चाहिए, इसलिए जलती हुई जगह में काटिएगा। चलिए, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear sweetie, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life to dear Chrissy, happy long life to you, many kisses to you, many kisses to you.
कोच को खिलाएंगे, दिन के लिए बचेगा ही। જેવું ખવડાવવા માંગે છે ઝડપથી આગળ જઈને ખવડાવી શકો છો, ઝડપથી ટાઈમ ઓછો છે। દાદા દાદી ઝડપથી આગળ આવશો, ઝડપથી ઝડપથી મમ્મી સમય। હું પ્રભુના દાસનો આભાર માનીએ છીએ તેઓ